अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसी तबीयत है? उम्मीद है साथी सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के ब्लॉग में हम लोग वीडियो में अपने बकरियों को ले नहलाएंगे और उनके खोर बनाएंगे और थोड़ा सा घर का काम वो करना है वो करेंगे। और यहाँ आने के लिए हाँ जी वो ऊपर ले नहीं जाने लेके जाने छत पे, छत पे क्योंकि आज पानी खुला हुआ है ठीक है, तो पानी चाहिए तो चलते हैं जैसे भी तो छत पे लेके जाते हैं बकरी को, लेकी को, पीली को, वाइट को, फिर टापरी को। तो ये इनके नाखून भी बहुत बड़े हो गए, अब देखते हैं पानी कितना पड़ा हुआ है। ये किसी की लाइन ली के तो उसमें मैंने प्लास्टिक मार दिया था, तो पहले दानी बड़े चारा खाए तो उसको हम लेके जाते हैं ऊपर में। सबसे पहले इसको ले जाते फिर लेकी को, टापरी को बड़े सिंह वाली वो वाली, फिर लेकी को, फिर बकरे को बड़े वाले, सही है ना। और अच्छा साबुन सरफ देना ले लिया, और अभी मैंने इसको मिला लिया। तो गेंदा रखने की जगह नहीं है क्या? फैमिली की सेटिंग कर रहा हूँ मोबाइल की, ये मैं आपके मोबाइल में पानी नहीं पड़े ना, ये वीडियो सही शूट हो। तो दोस्तों जल्दी से इसको निकालते हैं, गेंदा सेट हो गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हो गया बस सही ज़बरदस्त नाइस। और अभी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, पहले पानी से मिट्टी निकाल दें, फिर सरफ या शैम्पू या साबुन से धो लें, फिर पानी लगाएं। अच्छे से पानी लगाते हो जगह जगह पे, इसको जहाँ पे साबुन लगा हो लगा होगा या शैम्पू लगा हो उसको निकाल दें, रह नहीं जाए ना, इसकी वजह से उनको बकरों को खारिश हो जाती है जैसे में साबुन की वजह से। तो फाइनली इसको ध्यान में रखें, जब भी बकरे धोएं साबुन लगाएं तो मिट्टी निकाल के फिर साबुन लगाएं या शेप लगाएं या सर्फ लगाएं, तो अच्छी तरह से इसको साबुन तरफ को निकाल दें। तो फाइनली जिस जगह पे साबुन या शैम्पू रहे लगा हुआ है वहाँ से उसको अच्छी तरह से धो लें टांगे। असल में मैं भी थक गया हूँ, ये गर्मी ऐसी तेज है सांस निकल देती है, और ऊपर चीजों पर चढ़ना उतरना। अच्छा ये जगह है ना बड़े बाल होते हैं इनके, यहाँ से अच्छी तरह से इसको धो के साफ करना चाहिए, कोई साबुन या सरफ रह नहीं जाए, सही है ना। देखिए अभी पानी से ठंडे हो जाएंगे फिर सुकून हो गया। अच्छा इसको नहाने से ठीक है, हर महीने महीने में एक मरतबा इनको नहलाओगे, इनकी सेहत भी अच्छी होगी, साफ सुथरे भी रहेंगे और ध्यान भी उठाएंगे। खुराक के साथ ये भी इसके लिए ज़रूरी होती है, और खूसन दुम्बों के लिए, दुम्बों को ऐसा करना चाहिए उसको बाल छोटे कर रखने चाहिए, बाल बड़े नहीं हो, और उनको पानी मारना चाहिए, पानी से नहलाओ हफ्ते में दो हफ्ते में एक मरतबा, कजले हो या खारे के हो या लाल खान के हो जहाँ भी हो, तो पंजाब के हो दुम्बे, तो उनको बाल छोटे रखो और खूब नहलाओ उनको, फिर उनकी हाइट देखो जान देखो माशाल्लाह, फिर उनकी उल्टी आती है उनमें। तो ये देखो खुद ना खुद खड़ी हो गई ना, टांगे भी खुल गई है। मैं शुरू में ये ऐसे जपे मार रहे थे ना, खड़े होने का नाम ही नहीं लेते, कभी इधर जप मार रहे कभी उधर। असल में मेरे को भी बहुत गर्मी लग रही है, धूप बड़ी तेज है,
thứ nghe अभी तीन बकरे और भी हैं, उनको भी नहीं जाने। और असल में मैं भी थक गया हूँ, तो बस आप करते हैं फिर। चलो ये हो गया, खैर दो को भी करते हैं। ये है खुश हो गई, खुश हो गई। अब ये आ गई, इसको बड़े सिंग वाली हिरन जैसी ऐसी। मेरे पास एक और थी लाल, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी यार, प्यारी थी, मगर वो लको प्यारी हो गई, दो बच्चे गए, मार खुद नहीं, तो अल्लाह की मर्जी। घर में उसमें गलती मेरी भी है, बेहतियाती उसमें की थी, उसको ध्यान नहीं दिया था जानवर को, बस ये तो लाजमी अपने बकरों को ध्यान रखो, तो किसी भी बीमारी आए या कोई सी भी फ़ौरन किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर से रुजू करें कि यार इसका क्या इलाज है, सही है, तो इस बिना पे उसको इलाज किया करें और केयर करें अपने जानवरों की, क्योंकि बेदबान है, जख्म वगैरह है वो तो कम लग जाए तो क्लोरोपायोडिन या ब्लू स्प्रे आता है पल पल, उसको तो ज़रूर लगाएं, सस्ते होते जरासीम नहीं आते, वो तो फौरन भंगो सुखा देते हैं। अब ये भी लेके आ गया के बड़े बाल हैं, चलो इसको ब्लैक ही कौन ही नहीं लाते, मिट्टी निकालते पानी डाल के फिर इसको शैम्पू लगाते। ये हो गया सब कुछ, पानी मारते शैम्पू भी लग गया, सब कुछ लग गया, चलो ताज़ा हो गया। तो अभी चलते हैं नीचे, हम जैसे खोर कहते हैं बकरियों के, खोर कहते हैं उर्दू में, नाखून करते हैं, और ये जो नाखून तो खोर कहते हैं, इस बिना पे वो छत पे चल नहीं रही, क्योंकि मेरी छत पे फर्श है, आपने देखा है अभी, इसमें ये चल नहीं सकते, तो उन्हें बैठने उठने में बहुत तकलीफ होती है, बड़े हो गए कुछ और जल्दी बढ़ जाते हैं ऊपर, कच्ची ज़मीन पे नहीं बढ़ते ज़्यादा, तो ये वो फर्श होता है, फर्श में ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। बहुत ही बड़े हो गए, अच्छा इसको ध्यान से बनाना चाहिए कि इसके जो अंदर मांस होता है में ये गोश्त में ये जख्म नहीं करे ना, फिर हिंदी में रखे मांस ना गोश्त में, और ऐतिहासिक है इसको बनाना चाहिए, और जख्म लग गया तो टांग में थोड़ा मसला हो जाता है, फिर ये बड़ा खराब हो जाता है, तो यह फूटे रहे दूसरी चूड़ी दे दो, मगर इसका वो सस्ता थोड़ा टूटा हुआ है ना, इस पर जख्म लग सकता है, इसलिए मैंने इसी चूड़ी को यूज़ करता हूँ, ये अच्छी भी है और तेज़ भी है, उससे हमेशा चूड़ी तेज़ रखनी चाहिए, सही है, तो तेज़ नहीं होगी तो फिर ये इसको तकलीफ देगी और लीकेज हो जाते हैं, और अपनी चूड़ी को तेज़ रखें और आराम से बना सही सुकून से,
ध्यान से बनाए और ध्यान रखें कि ये झटके मारती है, टांग में छुरी नहीं लग जाए, जख्म बढ़ जाता है इसका, फिर ये गर्मी है ना, गर्मी ने मेरे को भी मार दिया थी। तेज तपिश हवा तो चल रही है मगर तपिश है वो। देखो नजर आ रहे है कई नाखून, जिसको हम उर्दू और हिंदी में हम खौर कहते हैं और आप लोगों को जबान में पता नहीं इनको क्या कहते हैं। बकरी भी खुश हो रही है, ये नाखून बन रहे हैं, पीछे वाले भी बना दिए, ये देखो इंशाल्लाह बन गए थे। अल्लाह तना खेल दी और मेरे जानवर को सेहत दी गई और तो फारिग हो गए। अभी जाता हूँ मैं खुद नहाता हूँ। अच्छा तो अभी मैंने अपने खुद नहा लिया है, फ्रेश हो गया और हम दोनों ना सब काम से फारिग हो गए। अब दाना लेके आएगा चाचा चारा, तो उसको हम चारा देंगे जानवरों को। तो देंगे तो फिर जब तक के लिए इजाजत दे देना, फिर मुलाकात होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो पसंद आए और शेयर करना कि यार मेरी वीडियो को भी सब्सक्राइब कम है, तो बराबर मेरे को हेल्प कर।